सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिग्नल लेंगे, वो कहाँ पे है बता रही है, सुनो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिग्नल लेंगे, ये 2 kHz के साइन वेव, 2 kHz साइन वेव, साइन वेव ये रहा, ये एक मिनट, ये दोनों, ये दोनों, ये क्यों कनेक्ट किया है, अच्छा ताकि आगे हो जाए, इन्फॉर्मेशन सिग्नल लेना है चैनल वन में, पहला इन्फॉर्मेशन सिग्नल लेंगे ये रहा, और यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये हमारी इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, तुम इसको इस दोनों को हवा में डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल, एक इसका ग्राउंड चला गया, ठीक है, दूसरा पल्स लेंगे, पल्स ठीक, तभी तो सैम्पलिंग करेंगे, पल्स लेने के लिए ये रहा 8 kHz, ठीक है, ये यहाँ लगा दिए, और ये यहाँ से पल्स लिए, इसका ग्राउंड कर दिया चैनल टू में, चैनल टू से, तो यहाँ चैनल वन पे साइन आ गया, चैनल टू पे पल्स, ठीक ठीक, पल्स दिख रहा है, अब हम सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग करने के लिए ये रहा चैनल थ्री, चैनल थ्री, चैनल थ्री से हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, ये वाली, ये रहा, तुम्हें किस तरह के पहले नेचुरल सैंपल, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड, उसके बाद फ्लैट टॉप, तो इसको पहले यहाँ लगाओ फ्रत, करंट तो नहीं देगा, नहीं नहीं करंट नहीं आएगी, इकट्ठे मरेंगे, मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे, चलो लगाओ, उसके बाद ऑटो सेट करना, तो अब हमें एक मिनट रुकना, ये हो गई नेचुरल सैंपलिंग, दूसरे पे लगाओ सैंपल एंड होल्ड, फिर ऑटो सेट करना, सैंपल एंड होल्ड, ये हो गई सैंपल एंड होल्ड, विकल्प के टीचर है, समझा कर, चुप करो, नीचे लगा, खाता नहीं है तू कुछ, टूट जाएगी, फ्लैट एंड टॉप, फ्लैट एंड टॉप, तो ये हमारी मॉड्यूलेशन हो गई, ठीक है, अब मुझे डी मॉड्यूलेट करके जो मैंने इन्फॉर्मेशन सिग्नल दी थी फिर से वही लो पास फिल्टर से लेनी है, ठीक है, उसके लिए यहाँ ये जो सैंपल होल्ड, इससे मतलब सैंपल एंड होल्ड ये याद आ गया, क्योंकि मुझे फिर से सैंपल एंड होल्ड नेचुरल सैंपलिंग से ही लेनी है, तीनों बात मिलेगी, ये लगाई लो पास फिल्टर पे, ठीक, इसकी आउटपुट यहाँ से लेनी है, कहाँ से, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ठीक, यहाँ की आउटपुट इसमें लगा दी, चैनल चैनल फोर में, फोर पे, चैनल फोर में चौथी, ये फोर्थ वाली जो वेव होगी वो हमारी एम्पलीफाइड होगी, लो पास फिल्टर से डीमॉड्यूलेटेड वेव होगी, और एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड क्यों होगा, ओरिजिनली वापस आएगी, ये बड़ी आ रही है ना, बड़ी आ रही है तो उसको यहाँ से चेंज नहीं कर देंगे, ऐसे इससे चेंज होता है, चैनल फोर का यहाँ एम्पलीफायर क्यों यूज किया हमने, ताकि वो डिस्टॉर्ट हो गई होगी ना रास्ते में, उसको वापस उतना लाने के लिए, कौन से रास्ते से आ रही है, इस वाले लाल वाला आ गई ना वापस, बराबर आ गई, एम्पलीफायर की क्यों जरूरत पड़ी, डी से नहीं पूछ रहे, लो पास फिल्टर का एम्पलीफायर का है ये, वो सबसे पूछो, इतने भी हम लोग जितने समय बताते हैं, अब पूछो क्या, हो गया, थैंक यू।